दोस्तों नमस्कार, एनुअल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो पृथ्वी पर लगातार बर्फ पिघलती चली जा रही है, इसका प्रभाव हमारे दिन और रात के समयावधि पर भी पड़ सकता है। एक हाल की स्टडी में वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस स्टडी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ध्रुवों पर जो लगातार बर्फ पिघल रही है, इससे हमारे दिन के समय अंतराल में भी बढ़ोतरी और रात में घट रही है। यानी यह ध्रुवों पर पिघल रही बर्फ हमारे दिन और रात के संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं। यानी इससे हमारा पूरा साल का समयावधि भी प्रभावित हो सकता है। यह हैरान करने वाली साइंटिफिक स्टडी इस बात की ओर उल्लेख करती है कि ध्रुव पर पिघल रही बर्फ हमारे पूरे ह्यूमन हैबिटेट के साथ साथ पृथ्वी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम इसी हैरान करने वाली स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो अपडेट्स आप पहुँचते रहें। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया लगातार गर्म होती चली जा रही है। यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारे पूरे पृथ्वी के घटनाक्रम पर पड़ रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ध्रुवों पर जो बर्फ जमा है वह लगातार तेजी से पिघल रही है, जिसे समुन्द्र का जल स्तर तो बढ़ रहा है बल्कि हमारे दिन भर के समय पर भी इसका काफी असर हो रहा है। यानी हमारे पूरे साल का समय भी इससे बदल सकता है। इसके पीछे की वजह है पेट्रोल, डीजल, कोयले और जीवाश्म ईंधन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाना। यानी हमारी पृथ्वी के जो ध्रुवों की बर्फ पिघलने के कारण हमारे दिन भर में कुछ समय सेकंड्स और ऐड हो जाते हैं। यानी दिन के अंतराल में बढ़ोतरी लगातार होती चली जा रही है। इसकी गणना दुनिया भर के बेहद सटीक 450 एटॉमिक घड़ियों के अंतराल से इस बात पर रिसर्च की गई है और इसको रिसर्च पेपर के तौर पर भी प्रकाशित की गई है। और यह एक दुनिया भर के लिए चौंकाने वाला खुलासा है। नमस्कार।